हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजीटा। तो फाइनली ड्रैगन बॉल हीरोज का चैप्टर नंबर 1 आ गया है, जिसकी मांगा गेम से रिलेटेड है। और मैंने ड्रैगन बॉल हीरोज की बहुत सारी सागा से रिलेटेड पहले वीडियो भी डाली थी, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि किस तरीके से चीजें हो रही थी वो उनको पता नहीं चल रही थी। तो अब हम इन मांगा के सिक्वेंसेस से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और सो ऑन, इनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीजें ड्रैगन बॉल हीरोज में हो रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल हीरोज के चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें टाइम ब्रेकर बारडॉक और हमारा ट्रंक्स ज़ेनो है। तो चलिए और टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है जब ट्रंक्स अपने टाइम में वापस जाता है सेल गेम्स के बाद। तो वो सेल से बात करता है, वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने आया हूँ टाइम मशीन का इस्तेमाल करके 20 साल पहले फ्यूचर में से, जो कि है 20 साल का पूरा गैप, जिससे कि वो अब यहाँ पर भी शांति यानी कि पीस कर सके। फिर इन्हीं सभी चीजों के बाद वो टाइम मशीन में बैठकर जा ही रहा होता है कि एकदम से वो टेलीपोर्ट हो जाता है टाइम नेस्ट में। अब बहुत से लोगों को पता होगा कि टाइम नेस्ट क्या चीज है, जो कि टोकी सिटी में है। तो फिर सुप्रीम काय ऑफ टाइम उसकी तरफ भागती हुई आती है और उससे बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, मूर्ख तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टाइम के साथ ऐसे छेड़छाड़ करने की, मैं खुद का आयुष्य समाज डरती हूँ ऐसे टाइम से खिलवाड़ करने से, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी दिक्कतें हो सकती हैं इस चीज से। तो ट्रंक सॉरी मांगने वाला होता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, पहले मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगी कि तुमने क्या किया है। फिर वो उसको एक मैप दिखाती है जिसमें कि एक जगह होती है जो कि ट्रंक्स ने भी नहीं देखी होती अब तक, और ट्रंक्स भी इस चीज को देखकर बोलता है कि ये जगह तो मैंने अब तक नहीं देखी। तो सुप्रीम काय ऑफ टाइम क्रोनोवा बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें ये प्लेस नहीं पता है? तो ट्रंक्स बोलता है, हाँ सच में मुझे ये प्लेस नहीं पता है। तो ट्रंक सोचता है कि क्रोनोवा उसके साथ मजाक कर रही है, जो कि बहुत ही फनी मोमेंट होता है मांगा के हिसाब से। और फिर ट्रंक पूछता है कि अरे मैं आ कहाँ गया हूँ, मुझे पहले जगह के बारे में थोड़ा बता तो दो। फिर सुप्रीम काय ऑफ टाइम उसको बताती है कि ये टाइम नेस्ट है जो कि फ्लो ऑफ स्पेस और टाइम के बीच में है, और वो खुद सुप्रीम काय ऑफ टाइम है जिनका नाम है क्रोनोवा, और उनकी एक बर्ड है जो इन सारे टाइम्स के मोशन को सेट करती है जिसका नाम है टोकी। और फिर वो ट्रंक्स को बताती है कि उन्होंने उसको इसलिए बुलाया है कि वो टाइम ट्रेवल कर रहा था तो उन्होंने इस चीज को देख लिया था। तो फिर ट्रंक्स चौंक जाता है और पूछता है कि क्या मेरे टाइम ट्रेवल करने से इतनी सारी दिक्कतें हो रही है? तो सुप्रीम काय ऑफ टाइम बहुत गुस्से में जवाब देती है, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी गलती से एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, एक बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है, यहाँ तक कि उनके खुद के लिए भी। तो फिर ट्रंक्स माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तो सुप्रीम काय ऑफ टाइम समझ जाती है कि ट्रंक्स उस चीज को समझ चुका है। तो ट्रंक्स उनसे एक मौका मांगता है कि वो उस चीज को ठीक करने के लिए उस जगह पर जाना चाहता है जिसका मैप उन्होंने उसे दिखाया था। तो सुप्रीम काय ऑफ टाइम भी सोचती है कि हाँ क्यों ना इसे ले जाया जाए। तो फिर वो उसको कर देती हैं और उसको एक नई ड्रेस भी दे देती हैं और उसको एक टाइम पेट्रोलर बना देती हैं, जिससे कि ट्रंक्स का नाम पड़ता है ज़ेनो ट्रंक। और फिर वो उस मैप की तरफ निकल पड़ते हैं और सुप्रीम काय ऑफ टाइम बोलती हैं कि अब अपना मूड खराब करने के लिए रेडी रहना। और फिर वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जो टाइम के साथ खिलवाड़ करने के बाद बनी थी। तो वो उस जगह पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन यानी चीजों को ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां पर 3 बंदे होते हैं जो कि एक मशीन के साथ कुछ एनर्जीज ढूंढ रहे होते हैं। तो वो आपस में जो बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक ने थोड़ी बहरूपीय तरीके से पोशाक ओढ़ी हुई होती है और वो बोलती है कि मेरा तुम्हें ऐसे ही ताकतवर फाइटर से लड़ना होगा, जिससे कि टाइम और स्पेस में डिस्टॉर्शन होगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी और हम की को कलेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि इनका की से कुछ काम होगा। तो सुप्रीम काय ऑफ टाइम इन तीनों को देख लेती हैं और बोलती हैं, कॉज फाउंड, फाइनली मुश्किल की जड़ मिल ही गई। तो उनको बोलती हैं कि वहीं रुक जाओ और एक बहुत अच्छा सा पोज देती हैं, और ट्रंक्स वहां पर बड़े ही अजीब तरीके से खड़ा रहता है। तो वो ट्रंक्स को भी बोलती हैं कि भाई तू भी कोई पोज दे दे, वरना मैं तो जोकर लग रही हूं। तो फिर उसके बाद जो वो बहरूपीय तरीके से पोशाक ओढ़े हुए होती है वो होती है मीरा, हमें पहले से ही वैसे पता है फिर भी। तो वो समझ जाती है कि ये तो कायोशिन है, और इतनी देर में वहां पर जो मीरा होता है वो उन पर एक की ब्लास्ट कर देता है, लेकिन ट्रंक्स अपनी तलवार से उसे आसानी से बच जाता है। और फिर वहां पर एकदम ट्रंक्स के साथ लड़ने के लिए एक मास्क सैयन आता है, और फिर उन दोनों के बीच एक जंग छिड़ जाती है जो कि अच्छे तरीके से चलती रहती है और वो लोग देख रहे होते हैं। तो फिर उनकी बॉस उनको हुक्म देती है कि तुम दोनों एक टीम में आ जाओ, और जैसे ही मीरा उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो हिल नहीं पाता, और सुप्रीम काय उसको बताती है कि ये मेरा अटैक है जिसका सामना तुम नहीं कर सकते, और तुम
तुम पकड़े गए हो, लेकिन वो तभी दूसरी तरफ देखती है कि जो मास्क्ड सैयन है उसने ट्रंक्स को जमीन में दे मारा है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो ट्रंक्स बोलता है कि हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से उनकी फाइट चलती है और ट्रंक्स बोलता है कि लगता है अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। तो वो एकदम से झटपट बदल जाता है सुपर सैयन में और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर इसी तरीके से लात घूसों की बरसात वो एक दूसरे पर करते रहते हैं और तभी ट्रंक्स उस मास्क सैयन पर एक घूसा देकर मारता है, एक पंच देकर मारता है, जिससे कि उसका मास्क टूट जाता है और वो एकदम से कुछ होश में आ जाता है और सभी वहां पर चौंक जाते हैं। तो इस चीज को देखकर मीरा बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और वो अपनी एक फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो ट्रंक्स पर वार बोल देता है और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ट्रंक्स भी उस चीज को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। लेकिन हमने देखा है कि ट्रंक्स बहुत अच्छा फाइटर है और हाफ सैयन होने के कारण उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी एबिलिटीज भी है। लेकिन वो मीरा उस टाइम उस तक पहुंच चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर मतलब ट्रंक्स पर अटैक करने वाला होता है तो उसके हाथ पर एक की ब्लास्ट लगता है जो कि और कोई नहीं उन्हीं की टीम का मास्क सैयन मारता है। क्योंकि अब उसका मास्क टूट चुका है तो वो होश में आ चुका है और वो बोलता है कि फाइनली अब मैं जाग चुका हूँ। तो फिर उनके दुश्मनों के बॉस उन्हें बताती है कि वो माइंड कंट्रोल शायद खत्म हो चुका है। तो अब दोनों सैयन्स एक दूसरे की तरफ है और ट्रंक्स तभी देखता है कि ये जो मास्क सैयन है जिसका अभी मास्क टूटा ये तो बिल्कुल गोकू की तरह लग रहा है। हालांकि हमें पता ही है कि बार्डॉक और गोकू का अपीयरेंस बहुत हद तक सेम है। और फिर उसके बाद वो जो मीरा अपनी न्यू फॉर्म में होता है वो उन पर एक बीम अटैक करता है, लेकिन उस बीम अटैक से वो दोनों बच जाते हैं और फिर वहां पर 2-1 फाइट शुरू हो जाती है, मीरा वर्सेस ट्रंक्स एंड बार्डॉक। तो फिर फाइट चलती रहती है और मीरा की हालत पतली हो जाती है, आखिर वो दो सैयंस के आगे तो टिक नहीं सकता। फिर उसके बाद वो रिट्रीट करते हैं, मतलब वहां से भाग लेते हैं क्योंकि उनके बस की अब नहीं होती। लेकिन तोवा वहां पर अपनी फाइनली आइडेंटिटी को रिवील करती है और बताती है कि जो एनर्जी हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है पूरे तरीके से और अब हमें ज्यादा देर यहाँ रुकने की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद वो अपनी शिप में बैठकर निकल लेते हैं और इसी चीज को देखकर सुप्रीम का ऑफ टाइम चौंक जाती हैं क्योंकि वो उसको रोकना चाहती हैं लेकिन रोक नहीं पाती। तो वो वहां से निकल लेते हैं और हमारे तीनों सुप्रीम का ऑफ टाइम क्रोनोआ ट्रंक्स और बार्डॉक वहीं रह जाते हैं। तो ट्रंक्स और बार्डॉक एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे होते हैं और तभी ट्रंक्स के गुद्दी पे यानी कि गर्दन पे एक लात पड़ती है सुप्रीम का ऑफ टाइम के द्वारा। वो बोलती है कि भाई क्या कर रहा है, चलना यहाँ से। फिर उसके बाद वो ट्रंक्स को लेकर चली जाती हैं और बोलती हैं कि बार्डॉक मुझे तुमसे कुछ नहीं करना है। लेकिन बार्डॉक उनको कहता है कि मुझे अब भी थोड़े क्वेश्चंस पूछने हैं, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। तो वो बेचारा उड़कर कहीं और चला जाता है। तो वो लोग टाइम नेस्ट में वापस आ जाते हैं और उसके बाद सुप्रीम काय ऑफ टाइम बहुत तेज सहमी हुई होती है, चिल्ला रही होती है, डर और अजीब सी एक फीलिंग होती है। वो बोल रही होती है कि चल क्या रहा है, मैं क्या करूं, क्या मुझे उनके साथ जाना चाहिए था, क्या मुझे उन्हें पकड़ना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए, ये डार्क डिमन रियल्म ये कहां से एकदम आ गया और ये अभी एकदम सब चीजें एक साथ क्यों हो रही हैं। तो ट्रंक्स बोलता है कि कायोशिन समा ये डार्क डिमन रियल्म क्या है। तो वो उसको बताने लगती हैं और बोलती हैं कि चलो इस चीज को एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ी देर लगेगी, फिर भी तुम्हें बता देती हूँ। तो वो बताती है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जो बनाया गया था एक आर्मी के द्वारा जो कि जादूगरों की आर्मी थी, विजर्ड्स की, जो बुराई से भरे हुए थे और उनको वहां पर बंदी भी बनाया हुआ था। लेकिन फिर वो बताती है कि उन्होंने सुना था कि डार्क डिमन रियल में वहां से कोई भाग गया था और फिर उसके बाद पीछे से एक आवाज आती है और वो बोलता है इविल बुराई क्या बताने का तरीका है। और फिर वो दोनों उसके तरफ देखते हैं और वो निकलता है डेमेग्रा, डीमन गॉड डेमेग्रा। और यहीं पर इस चैप्टर 1 का एंड हो जाता है, हमारे ड्रैगन बॉल हीरोज चैप्टर 1 का एंड हो जाता है। और ये सस्पेंस रह जाता है कि ये डेमेग्रा कौन था, यहाँ पर कैसे आया और क्यों। और गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये मांगा अगर इसका एनीमे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनता तो ये सीरीज भी बहुत अच्छी चलती, क्योंकि इसका सेकेंड चैप्टर, इसके बाकी के जितने भी चैप्टर हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं और उनकी स्टोरी का प्लॉटिंग और उनकी फाइटिंग सीन्स बहुत ही दिलचस्प हैं। मुझे पता है आप लोग उसे देखना चाहेंगे, तो मैं बिल्कुल वो आपके लिए लाऊंगा। मैं आजकल बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक सेकंड वीडियो लाने वाला था ड्रैगन बॉल हीरोज की, जो कि मैंने कम से कम 22 की बनाई थी, लेकिन उसको मैंने खुद देखा और मुझे खुद ही चीजें कंफ्यूज करने लगी कि किस तरीके से क्या चीज हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चैप्टर वाइज एक वीडियो लाई जाए जिससे कि आप लोगों को भी
अच्छे से समझ आए और मैं भी अच्छे से बता पाऊँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर कामेहामेहा कोई भी फेवरेट अटैक कीजिए और बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब इस पूरे सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की सारी मांगास अब मैं अपलोड करने वाला हूँ वन बाय वन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे ये की थी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और चेक करते रहिएगा, और उस नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी पर, उस नोटिफाई करने वाली घंटी पर भी अटैक कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर आए, क्योंकि वो बहुत जल्दी आएगा, अभी शायद कल ही ना जाए, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।